हेलो गेमर्स, वेलकम टू गेमिंग फर्स्ट। तो यार, जैसा कि आपको पता है कि मेरा गेमिंग पीसी जो है वो ख़राब हो गया था, उसकी एसएसडी जो है वो ख़राब हो गई थी, तो वो रिप्लेस होने के लिए गया हुआ है और उसके लिए 10-15 दिन लग जाएंगे, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन फिलहाल मैं अपने PS4 पर गेमिंग कर रहा हूँ। तो रात जैसे ही मैंने अपना GTA 5 चलाया, तो भाई अपना नेट से ऑन रहता है, तो उसके बाद में मेरे सामने ऐसा हुआ कि मतलब मैं खुश हो गया, क्योंकि भाई बहुत टाइम बाद मुझे देखने के लिए मिला कि ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा था मेरे चलाने के लिए। तो मैंने भाई फटाक से स्क्वायर दबा दिया, क्योंकि भाई ऐसा ऑप्शन मिले ऑनलाइन खेलने का और मैं ना दबाऊं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, फिर मैंने देखा कि शायद हो सकता है ये स्क्वायर जैसे ही मैं दबाऊंगा तो उसके बाद में ये मांगेगा कि भाई PS Plus खरीदो। लेकिन PS Plus, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में पता लगा कि मैं PS Plus खरीद नहीं पा रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता हूँ PS Plus खरीदना, लेकिन मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। देखते हैं उसका क्या आगे जुगाड़ होता है, मुझे खरीदनी है, मैं जल्दी ही खरीदूंगा। लेकिन भाई रात जैसे ही मैंने गेम चलाया तो मेरा ऑनलाइन चल गया, वो भी बिना PS Plus के, तो काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हो गया था। तो चलिए, मुझे ना बहुत टाइम हो गया था अपना GTA ऑनलाइन वाला अकाउंट यूज़ किए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो अपना फटाफट से अपनी गाड़ी वगैरह देखते हैं कहाँ पर हमारी कितनी गाड़ियां हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने गैराज में। ये जो गैराज है ना, ये मेरी एजेंसी का गैराज है, तो यहाँ पर आपको कई सारे फ्लोर मिल जाएंगे देखने के लिए। नीचे मेरी गाड़ी जिससे मैं अभी आया हूँ वो खड़ी हुई है, और यहाँ पर खड़ी हुई है मेरी बहुत सारी गाड़ियाँ, और इसके अलावा भी मेरे पास और गाड़ियाँ हैं जो कि अलग अलग मेरे बिजनेसेज हैं उनके वहाँ पर खड़ी हुई हैं। देखिए, यहाँ पर मेरी चैम्पियन है, ज़ेंटोर्नो खड़ी है, और छोटी मोटी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इसके अलावा आप दूसरी साइड में देखेंगे, यहाँ पर मेरी 2 बाइक्स खड़ी हुई हैं और एक यहाँ पर 2-3 कार्स खड़ी हुई हैं। तो भाई मेरी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अभी मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि भाई कम से कम 1-1.5 साल से मैंने इसको चलाया ही नहीं है, और तो मैं भूल चुका हूँ कि मेरे पास कितनी गाड़ियाँ थी और कहाँ कहाँ मेरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कौन कौन से बिजनेस के वहाँ पर मेरी गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी होंगी। तो आज मैं इन सबको एक्सप्लोर करना है। देखो भाई, अपना ऑपरेसर भी यहाँ पर खड़ा है, अपनी बाइक खड़ी है फ्रैंकलिन वाली, और नहीं, ये तो फ्रैंकलिन की है, और ये हमारी एजेंसी की गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है ये भी एक शायद मैंने किसी चीज़ में जीती थी ये वाली गाड़ी, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो लेकिन चलो, अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो अपने ऑफिस में आते हैं। भाई ऑफिस में आकर ना इतने टाइम बाद बहुत अच्छा सा लग रहा है, और 7,000 जो हमारे सेफ के अंदर भी हमें पैसे मिल गए थे, तो काफ़ी सारे पैसे हमारे इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए एक आध मिशन करके देखते हैं, क्योंकि यार इतने टाइम बाद मैंने अपना GTA ऑनलाइन का वो देखा है गेम को, तो चलाते हैं अपना मज़े से। क्योंकि भाई मैं काफ़ी टाइम से PS Plus लेने की सोच रहा था, लेकिन बाय करनी थी मुझे, लेकिन क्या करें यार, बाय नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मेरे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है नहीं। तो मैंने कुछ वीडियो वगैरह देखी YouTube पे, जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि भाई सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही बाय कर सकते हैं, डेबिट कार्ड को तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मैं एक्सबॉक्स का गेम पास भी नहीं खरीद पाया था अपने PC पे, और ना ही मैं ये खरीद पाया, तो मेरा थोड़ा सा ना दिमाग घूमा पड़ा है। अभी इसके अलावा हम कुछ और जुगाड़ करेंगे, गिफ्ट कार्ड वगैरह खरीद कर लाएंगे दिल्ली से, और उसके बाद हम करेंगे जुगाड़ जो भी होगा। तो चलिए फटाफट से, मैंने यहाँ पर अपना स्टार्ट कर लिया है एक नया मिशन, और इस नए मिशन पर चलते हैं। हमें रिकवर करनी होगी एक गाड़ी, और उसके बदले हमें मिलने वाले हैं बहुत सारे पैसे, जो कि पैसे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। लेकिन भाई GTA में जितने ज़्यादा पैसे हों उतना ही मज़ा है भाई, जितने पैसे हमारे पास पड़े हों उतने ही कम लगते हैं GTA के अंदर। क्योंकि भाई अभी अगर आप मैं एक अच्छी सी गाड़ी खरीदने के लिए चला जाऊँ ना, तो 3-4 मिलियन तो यूं ही चले जाएंगे। तो मेरे पास तकरीबन 4-4.5 मिलियन है, 5 मिलियन के आसपास है, लेकिन वो सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भाई बहुत तगड़ा पैसा चाहिए। तो अभी हमें जाना होगा एयरपोर्ट पर, और वहाँ पर हमें मिलेगी एक गाड़ी जिसको हमें रिकवर करना है। तो चलिए फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं और सीधा पहुँचते हैं वेयर हाउस। तो भाई वेयर हाउस के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ से देखिए मैं अंदर जा चुका हूँ, और एंटर करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे गाइस, यहाँ पर बंदे मिलेंगे हमें, उन बंदों को हमें निपटाना होगा एक एक करके, सबकी टपली पे ना हेडशॉट देना होगा, सबको लिटाते हुए जाएंगे, और फिर ढूंढेंगे कि हमारी जो बाइक है भाई वो कहाँ है, और उसको रिकवर करने के बाद हम वापस उसको एजेंसी में ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद हमें पैसा ही पैसा मिल जाएगा। तो यार ऑनलाइन खेलने का भी अपना मजा है, तो जल्दी ही मैं इसकी लाइव स्ट्रीम करनी स्टार्ट करूंगा जैसे ही मैं PS Plus बाय कर लेता हूं, और भी बहुत सारे, अगर देखो एक्स्ट्रा वाली करूंगा मैं, PS Plus जो है एक्स्ट्रा वाली, जिसके अंदर हमें गेमिंग कैटलॉग मिलती है देखने के लिए, तो उसमें बहुत सारे गेम्स हमें खेलने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे ही मैं उसको खरीदूंगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा, और फिर तो भाई गेमिंग की बौछार होने वाली है, और भी काफ़ी सारी तड़कती भड़कती वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला हूँ अपने चैनल पर। और देखिए मैंने सबको निपटा दिया, और यहाँ जो प्लेन है ना इसी के अंदर मिलती है वो बाइक, मुझे पता है यहाँ पर देखो वो खड़ी हुई, तो इस बाइक को उठाकर हमें यहाँ से सिंपली चल देना है, और उसके बाद में हमें यहाँ से जो इसका डोर है ना वो ओपन करना होगा। तो इस वेयर हाउस का जो डोर है वो दूसरी साइड में है, तो मैं चलिए फटाफट से वहीं पर जाता हूँ डायरेक्ट। भाई यहाँ पर ना मस्त मस्त कार्स भी खड़ी हुई हैं,
लेकिन हम नहीं चुरा सकते भाई, हम नहीं चुरा सकते, कंट्रोल रखना होगा भाई। तो चलिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर एक बटन है जिससे कि हमारा जो हैंगर का डोर है वो खुल जाएगा और फिर हम यहाँ से अपनी बाइक को लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। तो यार GTA ऑनलाइन खेलने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन यार मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था GTA ग्रैंड RP खेलने में, लेकिन ग्रैंड RP मैं नहीं खेल पा रहा था। तो अभी हमारा PC वापस से जब तैयार होके आ जाएगा, रेडी होके, आई होप कि जल्दी आ जाए, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि एक हफ्ता और आएगा। तो जब जैसे ही आ जाएगा तो मैं ग्रैंड RP भी खेलने का ट्राई करूंगा इस बार। और चलिए फटाफट से, हमने देखी अपनी गाड़ी जो है ना उसको मैं लेकर आ चुका हूँ एजेंसी, और अब हमें मिलने वाला है इसके बदले पैसा, और पैसा हमारे पास वैसे भी बहुत सारा है। तो ये हमारा फ्रैंकलिन भाई, यार ये मस्त लगता है बंदा मुझे। तो देखो ये हम आ चुके हैं और फ्रैंकलिन भी हमें यहाँ पर मिल चुका है, और अब हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। तो गाइस मुझे बहुत टाइम के बाद GTA ऑनलाइन चलाकर बहुत अच्छा लगा, आप भी बताना वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।